और दोस्तों अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट यहाँ देख सकते हैं 21 जुलाई 2018 का, कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाली इस लड़की जिसका नाम प्रिया है, इसके साथ कुछ ऐसा हुआ। ऊपर वाला ना करे ऐसा और किसी के साथ हो दोस्तों, लेकिन हर एक भारतीय को जरूर जान लेनी चाहिए क्योंकि किसी के भी साथ ऐसी घटना घट सकती है। दोस्तों ये वीडियो कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली कोई नई स्कीम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस की अपडेट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर डीएलएस न्यूज के ऊपर अपन ऐसे ही वीडियो जानते रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ जो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है ये अलग ही है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं गंगापुर कॉलोनी निवासी प्रिया के बहनोई सुशील कुमार ने दिए बयान में बताया कि वह तीन बहनों में सबसे छोटी थी। प्रिया भी उनके साथ ही रह रही थी और पढ़ाई में काफी तेज थी। बीते बुधवार को बारिश होने पर प्रिया नहाने के लिए स्कूल से घर आकर सीधा घर की छत पर पहुंच गई, लेकिन तभी छत पर अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कहकर चली गई और मौके पर ही यहाँ आप देख सकते हैं घोषित कर दी गई। प्रिया को घर में ना पाकर एक घंटे बाद सुमन जी ने उसकी तलाश शुरू कर दी जो कि उनके रिश्तेदार के यहाँ पे रह रही थी, और जब वह छत पर पहुंची तो उन्हें प्रिया की ये मिली। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सुशील ने बताया कि सुमन के शोर मचाने पर स्कूल के बच्चे एवं अन्य स्टाफ प्रिया को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहीं पर घोषित कर दिया। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं प्रिया के साथ घर की छत के ऊपर क्या हुआ? यही चीज आपको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि आपकी जिंदगी में काफी काम आएगी। तो इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना, कहीं आप वो चीज मिस नहीं कर दे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर बेटी के जाने का मंजर देखकर मां सुमन का रो रो कर बुरा हाल था। सुमन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 11वीं में पढ़ने वाली उसकी महज इतनी कम छोटी उम्र वाली बच्ची, 17 साल की बेटी, उसे छोड़कर चली जाएगी। दरअसल दोस्तों यहाँ पे एक लड़की नहीं बल्कि ऐसा दो लड़कियों के साथ हो चुका है एक ही दिन में। असल में प्रिया के साथ छत पर हुआ क्या था ये दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं ना दोस्तों किसी भी व्यक्ति की जिंदगी केवल ऊपर वालों के हाथ में होती है, क्योंकि जन्म से पहले ही उसका जाने का समय तय होता है। कब इंसान एक पल हंसता खेलता रहता है और दूसरे ही पल हमें गुड बाय कह जाए, यही 11वीं कक्षा की छात्रा प्रिया के साथ हुआ। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बारिश के मौसम से बेहद लगाव होता है। हालांकि बारिश में चाय के साथ पकौड़े खाना अपना अलग ही स्वाद है, लेकिन कुछ लोग बारिश की चुस्कियों का मजा उसमें भीग के लेते हैं, और बहुत से लोग बारिश के अंदर नहाने के शौकीन होते हैं, खेलने के शौकीन होते हैं। दरअसल 11वीं कक्षा की छात्रा प्रिया शर्मा उर्फ रितु, इस लड़की को दोस्तों बारिश में भीगना और खेलना आनंद लेना बहुत पसंद था, इसलिए ये छत पर बारिश का मजा लेने के लिए गई, लेकिन तभी बिजली गिरने के कारण रितु वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए सो गई। इसीलिए दोस्तों मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर हर रोज भारी बारिश के अलर्ट देता रहता हूँ, किस दिन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी होती है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से। जब भी कोई अलर्ट अपडेट आता है भारी बारिश को लेकर तो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ ताकि आप सावधान रहें, सचेत रहें और अपने परिवार वालों का, स्पेशली छोटे बच्चे बड़े बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। दोस्तों प्रिया की शांति के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, आपकी जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप अभी कौन से राज्य में रहते हैं ताकि हम आपको उस राज्य के मौसम की जानकारी और अपडेट दे सकें। धन्यवाद।